बउआ भैया के ही शिष्य हैं भैया समरजीत जी, आपकी ओर से हमारे सचिन भैया के लिए एक पुष्पमाल और ये 51 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैंने धन्यवाद दे दी है, अब सचिन भैया अपना स्वयं को समझें। सही है, एक आधे हाथ इसको दे दो। मुश्किलें भी आसान, क्योंकि हर काम में तकदीर पर टला नहीं जाता रे। बहुत अच्छे, शाबाश। हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता, और जैसा कि आदेश हुआ था, बार बार कहा जा रहा है कि यहाँ पर बउआ भैया के लिए भी कुछ गा दिया जाए, तो गाया जाएगा मेरे हिसाब में मामा जी जी, क्योंकि वो माहौल थोड़ा बदल जाएगा ना, हम गाने लायक बचेंगे ना, आप सुनने लायक बचेंगे और ना कल्पना जी गाने लायक बचेंगी। इसलिए आइए कुछ अलग अभी इस चक्र को सुन लें, इसके बाद जो चक्र आएगा स्वच्छंद होगा और जो आपकी फरमाइश है वो जरूर पूरी होगी, उसके लिए हम लोग आए हैं तो जरूर गाएंगे। एक गीत बजा। कौन सा? बंबई वालों ने दिया है और गीत ना ज्यादा पुराना है ना ज्यादा नया है, आप लोग सुने, गीत अच्छा लगेगा आप लोगों को। अरे रामों का जब ढाए चले पूरी जी।
हो गए। दशानन को चैलेंज दे दिया कि ये दशानन, तेरी सगरी नगरी में अगर कोई बलशाली हो तो मेरे पैर को तिल भर हिला दे, माता जानकी को हार के चला जाऊंगा। और जब ऐसा कह दिया, बड़े बड़े बलशाली आए लेकिन तिल भर भी ना हिला पाए। स्वयं दशानन जैसे ही झुकने लगा, अंगद ने कहा बस, अरे इन चरणों में झुकने से कुछ नहीं मिलेगा, मेरे प्रभु के चरण में झुक जा, तुझे सब कुछ मिल जाएगा। और जैसे ही कहा तो देखिए अंगद लंका में उस रावण को चैलेंज दे रहे हैं और कहने लगे क्या, कहने लगे अंगद, अरे लाया सिया को हर के विकले साहूकारी सिखा रहा है। तो ये ज्ञानी है लेकिन फिर भी इसने धूर्त वाला काम किया है, इसलिए दशानन है। अरे दहले गए दहलैया, दहल गए दहलैया, तो थक गए हैं लगा के जोर। और जब मैंने उसको समझाया तो कोतवाल को डांट रहा है, कोतवाल को डांट रहा है, देखो उल्टा चोर, कोतवाल को डांट रहा है, देखो उल्टा चोर। भगवान कन्हैया लाल पहुंच गए शांति दूत बनकर, संधि का प्रस्ताव दिया लेकिन नहीं माने, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान कन्हैया समझाने लगे और समझा कर कहने लगे क्या, शांति दूत बन के पहुंचे और किशन लेकिन नहीं माने, और जब नहीं माने तो बांधने चले हैं हमको, सोचे ये दूरैया लीला रचाते कैसे, अरे रास के रचैया, देखे सभी देखे सभी देखैया, अरे देखे सभी देखैया, तो मुस्काए नंद किशोर, देखे सभी देखैया, तो मुस्काए नंद किशोर। और मैंने जब उसको समझाया ना समझ में आया, तो कोतवाल को डांट रहा है, देखो उल्टा चोर,
बात सुनिएगा, कलयुग में मिल रही है जो आज हर जगह आपको सुनाई देगी, कहीं भी आप जाएं क्या जाए बेटा क्या। अरे महंगाई जान मारे रहे जहाँ देखिए वहीं पर केवल रुपए की ही मारामारी है। ये बात सही है। बाप बेटे को मार रहा है, भाई भाई को मार रहा है, आज दुश्मन है भाई भाई का। अरे पैसा 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 आज इतना बढ़ गया पैसा, आप मंदिर में जाकर के देखिए आज भगवान पर भी चढ़ गया पैसा। और बहुत धन्यवाद है, ये है? पैसा वो है क्या ना करा दे। और सच मानिए जीवन में तीन चीजों की ही लड़ाई है, जर जोरू और जमीन। ये बात कहीं भी आप देखे युद्ध हुआ है तो इन तीन चीजों पर भी हुआ है, और जब हुआ तो देखे होता क्या है। कलयुग की बात मैं कर रही हूँ भैया। अरे भ्रष्टाचारी ऐश करते तो लूटते लुटैया, अरे चंदा बेचारी बस ये करे हाय दैया। एक भैया मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, भौजी पीछे बैठी हैं, बढ़िया फोन लगाए हैं, कान में बातें कर रही हैं। एक बगल से पल्सर वाला है, हमारा झपट्टा ले गया तो भौजी कर रही हैं, अरे लईगा लईगा का हुआ, अरे दैया सब कुछ लईगा, अरे दैया लई डा रे। तो जनता बेचारी बस ये अरे करे हाय दैया, बिगड़ गए बिगड़ैया, अरे बिगड़ गए बिगड़ैया, अरे बिगड़ गए बिगड़ैया, तो अब सुधरे हराम को। आज का जमाना है जो अच्छा है उसको दबाया जाता है और जो बुरा है उसको उठाया जाता है। तो बिगड़ गए बिगड़ैया, तो अब सुधरे हाला में खो, तो कोतवाल को डांट रहा है देखो उल्टा छो। राजा रामचंद्र की जय। बोले दंडेश्वर महाराज। थोड़ा और नजर डाल लें, फिर उसके बाद मेरी ओर से एक श्रद्धांजलि गीत रहेगा। बहन जी ने बढ़िया गीत दिया है।
भैया के आगे ओ पुर भैया के आगे ओ चले ना कोई जो पुर भैया गोपाल के चाचू ये चच्चा पुराने चावल चच्चा चच्चा बहन जी का गीत बहुत बढ़िया आया है कोतवाल को डांट रहा है देखो उल्टा चोर आइए कुछ लाइनों में जवाब मेरी ओर से है चोर लखनलाल को शक्ति लगी और हनुमान जी महाराज को भेजा गया हनुमान जी महाराज गए सुसेन वेद को लेने के लिए बहन जी जवाब सुनने का प्रयास है मेरी ओर से सुनिए कोतवाल को डांट रहा उल्टा चोर तो सुनिएगा सुनिए कि गोदू में लेकर रोए जो देखा जाए लंका में शोर मच गया कह रहे सब क्या क्या अगर जो देखा जाए अरे चोर बड़ा सहजोर अरे अगर जो देखा जाए चोर बड़ा सहजोर अरे चोर के घर से चोरी अरे कर गया कोई चोर धन्यवाद है और मैं ऐसे नहीं कह रही हूं नाम लंकनी एक निश्चरी सो कहे चले सी मोहे निंदरी जाने नहीं मरम सट मोरा मोर आहार जहां लग चोरा 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 वही हनुमान जी फिर लंका में गए सुनिएगा सुनिए अगर जो देखा जाए अरे चोर बड़ा सहजो अरे चोर के घर से चोरी आज कर गया देव चोर
हेलो, आपने दिखाया कि कन्हैया के लिए कहा जब संधि का प्रस्ताव लेके गए हैं, तो चलिए द्वापर में भी मैं आपको जोड़ते हुए चल रही हूँ। उन्हीं कन्हैया के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, बहन जी सुनिएगा। और जब पुत्र का जन्म हुआ तो हुआ क्या? क्या हुआ बेटा? असुर संभासुर ने दही उनको मात है। चाचू कितना साफ सुथरा छपताल दस मात्रा बजा के गए हो बेटा। ये है असुर संभासुर ने दही उनको मात है, किसन पुत्र लाया हर के आधी रात है। भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का हरण करके ले गया, और जब ले गया तो अरे समझ सकी ना रुकमा, समझ सकी ना रुकमा, सब जाने माखन चोर। वो भले ही नहीं समझ सकी, लेकिन माखन चोर सब जानते हैं। और क्या? समझ सकी ना रुकमा, समझ सकी ना रुकमा, सब जाने माखन चोर के चोर के घर से चोरी ये करे गया कोई चोर। जय धन्यवाद।